शालोम। यीशु को कबूल करने का यही दिन यही वक्त है। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। रबि शाऊल यानी मुकद्दस पौलुस ग्रंथस के नाम अपने दूसरे खत में उसके छठे बाब उसकी दूसरी आयत में फरमाते हैं, देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। अजीजो, गुज़िश्ता दिन हमने सुना कि हमें खुदा पर भरोसा रखना है और कल की बजाय आज के बारे में सोचना है। कल की डिवोशन में आपको जिंदगी और मौत की हकीकत बताई गई थी कि जिंदगी और मौत से मालूम होता है कि कायनात में एक ऐसी ताकत है जो सब कुछ कायम रखे हुए है और जिसकी कुदरत में सब कुछ है। अजीजो, मजीद आपको कल ये भी बताया गया था कि यीशु ने लूका 12वें बाब में एक दौलतमंद की मसाल से जिंदगी की हकीकत को समझाया था। वो दौलतमंद बहुत माल जमा करके ऐश और आराम से जीने की तमन्ना करता है, लेकिन उसी रात उसकी रूह उससे तलब करनी चाहती। कल हमने इस मसाल से खुदा की कुदरत और अपने आज की फिक्र के बारे में सीख हासिल की थी, लेकिन आज यही मसाल दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि आज हम इसी मसाल से ये सीखेंगे कि यीशु को कबूल करने का यही दिन और यही वक्त है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कब इस दुनिया में से कूच कर जाएंगे। बाइबल की तारीख में बुजुर्ग मुतसल्ला ने 969 साल उम्र पाई और मर गया। कुछ अरसा पहले ब्राजील में एक शख्स 134 साल तक जिया, लेकिन क्या हुआ, वो भी मर गया। अजीजो, वाज की किताब 3 बाब उसकी दूसरी आयत में रकम है कि पैदा होने और मरने का एक दिन मुकर्रर है। कोई शख्स भी यहां मुस्तकिल नहीं रहता, हर शख्स को यहां से जाना है, लेकिन अजीजो लोग अपने मुस्तकिल के बारे में ही फिक्रमंद रहते हैं और उसके ही बारे में मनसूबाबंदी करते रहते हैं, लेकिन इस जिंदगी को बचाने की खातिर कोई मनसूबाबंदी नहीं करते, जबकि वो इस हकीकत से बहुत अच्छे से आशना है कि एक दिन इस धरती से जाना तो है। अय्यूब 7वां बाब उसकी 6 आयत में दर्ज है, मेरे दिन जुलाहे की फिरकी से भी तेज रफ्तारी से गुजरते हैं और मेरी जिंदगी बगैर उम्मीद के गुजर जाती है। और फिर यशाया 40वें बाब उसकी 7वीं आयत में बयान है कि घास मुरझा जाती है और फूल गिर जाते हैं, किसी शख्स की मौत के बाद उसको दफनाते वक्त जितने उसके चौगिर्द होते हैं सब उस घड़ी अपनी मौत को ही देख रहे होते हैं, लेकिन वो एहसास चंद घड़ियों का ही होता है, वो कुछ वक्त के बाद वो सब भूल जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, लेकिन इंसान अंदर ही अंदर जरूर ये सोचता है कि जिंदगी के बाद कुछ तो होगा, शायद एक और जिंदगी, शायद अबदी जिंदगी। यानी एक बेईमान शख्स भी अंदर ही अंदर नई जिंदगी की उम्मीद लेकर मरता है। इंसान ये जरूर सोचता है कि इस जिंदगी के परे भी कोई जिंदगी जरूर होगी। दुनिया में ऐसा कोई शख्स, कोई नबी उनकी इस उम्मीद के बारे में हक सच बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते थे और ना ही जानते हैं, क्योंकि सब मर गए और जो जिंदा हैं वो भी मरने वाले हैं। लेकिन एक शख्स, हाँ एक शख्स जो अख्तियार वाला है, जो इन तजुर्बात से हो गुजरा है, वो इस हकीकत के बारे में जानता है, क्योंकि वो खुद कब्र से बाहर निकला है जहां से कोई नहीं निकल सकता, पर वो निकला है, वो जिंदा हुआ है। जी हां, वो आपका और मेरा खुदावंद जिसका नाम यीशु मसीह है, वही आज जिंदा है। वो मुर्दों में से जिंदा हुआ और फरिश्तों ने गवाही दी कि वो कब्र में नहीं है बल्कि जिंदा हो गया है। हालेलुया! ये दुनिया की सबसे बड़ी और हैरत अंगेज खबर है कि वो यहां नहीं है बल्कि उसने कब्र को फतह कर लिया है, वो जिंदा है। अजीजो, आज मैं आपको किसी मुर्दे पर ईमान लाने के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि एक जिंदा यीशु पर ईमान लाने के लिए दावत देता हूं, क्योंकि मैं खुद जिंदा निजात दहिंदा को मानता हूं कि यही फिर हकीकत ईमान है, वरना दुनिया के माबूद सब कब्रों में पड़े हैं।
लेकिन जिसकी तरफ मैं आज आप सबको बुला रहा हूं वो कब्र को फतह कर चुका है और अब मरने का नहीं, क्योंकि उसने मौत के अख्तियार को खत्म कर दिया। उसने यूहन्ना छठे बाब में कहा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें जिंदगी है। फिर उसने यूहन्ना ग्यारहवें बाब में मजीद कहा, जो मुझ पर ईमान रखते हैं वो मरने के बाद भी जीते रहेंगे। और फिर यूहन्ना चौदहवें बाब में यकीन दिलाते हुए कहते हैं, चूंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। अजीजों, ये वो दावाजात और यकीन दहानियां हैं जो किसी और नबी या आला इंसान का खासा नहीं रहा, लेकिन यीशु वो आला से आला और तमाम अंबिया से बढ़कर है जिसने ये यकीन दिलाया और ये दावे किए। और यही वो शख्स है जिसको तारीख ने, असारे कदीमा ने और साइंस ने झुठलाने की बहुत कोशिशें की लेकिन झुठला ना सके। आज इसी यीशु के पास आपको बुलाता हूं। मैं आपको इसकी तरफ आने की दावत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के मकसद को जानता हूं। मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया और कहां को जाता हूं। क्या आप जानते हैं? बताइए, जरा सोचिए, क्या आप जानते हैं? अजीजों, अब्राहिम तीसरे बाब में रकम है कि आज अगर उसकी यानी खुदावन की आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज आपको उसी खुदावन की खबर पहुंचाई जा रही है, अगर आप मौत के बाद हमेशा की जिंदगी उसके साथ पाना चाहते हैं जो खुद भी जिंदा है, तो आज यही दिन है, यही वक्त है, उसे अपनी जिंदगी में कबूल कीजिए। अजीजों, इफिसियों पांचवें बाब में दर्ज है कि वक्त को गनीमत जानो। हम किस वक्त मर जाए हम नहीं जानते, ये बात वो दौलतमंद शख्स भी नहीं जानता जो अपनी जान को कह रहा था कि आप सुकून कर खा पी और खुश रहे। हम में से कोई भी मरने का वक्त नहीं जानता, इसलिए अजीजों देर मत कीजिए। ऐसा ना हो कि वो दिन चोर की मानिंद वारिद हो जाए और आप सजा के हकदार ठहरे। अभी वक्त है, इस वक्त में बेहतर फैसला कर लीजिए। यीशु मत्ती पांचवें बाब उसकी 25वीं आयत में एक मिसाल से यही बात समझाते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारा मुद्दई अदालत में पेश करने के लिए ले जा रहा है तो जल्दी से अपने मुद्दई के साथ सुलह कर लो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अदालत में पेश करे और तुम सजा के हकदार ठहरे। आज यही दिन और यही वक्त हमारा मुद्दई है। अगर हम इस वक्त को अच्छे से और समझदारी से, अकलमंदी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अदालत के वक्त हम सजा के हकदार ही होंगे। यीशु मुकाशवा 16 बाब में फरमाते हैं, देखो यानी इल्म हासिल करो, फहम लो और अमल करो। देखो मैं चोर की माने दाता हूं, मुबारक वो है जो जागता रहता है और हमतन तैयार रहता है कि ऐसा ना हो कि उसकी बदनगी जाहिर की जाए। अजीजो, आज ही निजात का दिन है, आज ही कबूलियत का वक्त है, देर मत कीजिए। यशाया 49वें बाब में यही फरमान है। तो आइए आज बेहतर फैसला कीजिए, जो हक है, जो सच है उसको अपनाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी बुखारात की मानिंद है, अभी है और अभी आए। इस वक्त को गनीमत जानिए और अकलमंदी के साथ फैसला कीजिए, क्योंकि कबूलियत की यही घड़ी है, यही दिन, यही वक्त है। सलाम रहिए।